मेरी भी जान का धोखा सर सर, मगर ये हमारे भाई भाई साहब ऐसा हो गए। और मेरे और एक भी भाई है मोहम्मद इजाज हम का नाम, उनकी भी कंडीशन ऐसी है सर, वो मेरी बड़ी बहन उनके साथ है और मैं मेरे भाई के साथ ही आ गई। और आप सब जने मेरे को कोऑपरेट करो, मैं सबसे हेल्प की उम्मीद करती हूँ। मैं और उन लोगों को पकड़ना सर, उनको उनके बच्चों को और हमारे दो भाइयों को उनके बच्चों को पकड़ना सर जी। मेरे को और मेरे सबसे छोटे भाई को भी ऐसे ही मारे लोग आज ही से 3:15 बजे। मेरे को मारने के बाद मैं गाड़ी पे भाग के आया, आगे पुलिस में रिपोर्ट करा। साहब मेरा और एक भाई को ऐसे ही मार रहे लोग, साहब हेल्प को भेजो, मर जाता था उन्हें भी। बहुत खतरनाक कंडीशन है उस मारिया में उन्हें। मोहम्मद यूसुफ ऑलरेडी मर्डर करा हुआ है, आज तक नहीं पकड़ा, मस्तान का मर्डर कर दिया उन्हें। 3 जने गवाह है उसके, पैसे गिला के बचा हुआ है उन्हें, वो भी आज तक ही नहीं निकला। मस्तान का मर्डर करा हुआ है, फकीर है बेचारा, भीख मांग रहा था, भीख मांगते मांगते कारोबार उठा करा, थोड़े पैसे लिया था मोहम्मद यूसुफ से, वो पैसे नहीं दे सका टाइम पे। जाके घुटने से उसकी पेशाब की जगह मारा, ऑन द स्पॉट मर गया था। वो केस है उसका अभी भी, उसको आज तक कोई पूछे नहीं। मस्तान की फैमिली परेशान है, हम अगर हक़ की बात करके हम हक़ का साथ दे रहे, हम भी परेशान हैं आज। उन्हें जब तक अंदर जेल को नहीं जाएगा हम सुकून से बैठ नहीं सकते। हम हाथ इसलिए नहीं उठाए, हम कानून को देख रहे हैं, हम समझदार हैं, कानून शरीफों के लिए है। बदमाश अपना मनमानी कर रहा, और इतने टाइगर हो लोग पुलिस को तो बिल्कुल ही नहीं समझ रहे लोग, पुलिस को जेल में रख ले रहे। आ रहे 2 मिनट आ रहे, अपना बक 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 कर ले रहे, कंप्रोमाइज कर रहे, चले जा रहे, ठीक है। हम जानने वाले, हम परेशान हैं, हम कुछ नहीं कर सक रहे। हम हाथ उठाए हमारी जॉब का मसला है, हम अगर उसको गाली दिए हमारी जॉब का मसला है, हम डरे हुए हैं, कुछ नहीं कर सकते। सुबह साहब बोल बोले मेरे को, देखो आप ड्यूटी वाले आदमी हैं, आप एक्शन मत लो कुछ भी, आप कुछ भी हाथ मत उठाओ, कुछ भी ना मत करो, नहीं तो आपकी प्रॉब्लम हो जाती है भाई, जाने आने के लिए जॉब का मसला है तुम्हारा। मैं हाथ उठाया नहीं, सीसीटीवी कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा जिसके पास है, जिसका रिकॉर्डिंग हुई, उसको भी धमकी मिली, अगर आप दिए तो आपका भी मर्डर कर देते। लड़ाई है अभी फर्स्ट टाइम है, ये तो छोटी मोटी चलती थी, मगर ये फर्स्ट टाइम बहुत बड़ी हुई। अरे आप, अगर मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं थोड़ा वहाँ से जल्दी करके मेरे टूटे पैरों से भाग सका है थोड़ी देर। मैं रोज़ाना रनिंग करता हूँ इसलिए मैं बच गया। मेरी जगह कोई दूसरा बच्चा रह रहा, बुला पीछे आए भी, मगर मैं जब तक एक बच्चे की गाड़ी पे बैठ गया था, बच के निकल गया। मैं तुम लोगों को बोलने के लिए ज़िंदा नहीं रहता था। 3:15 बजे से उस्मानिया दवाखाने में कुछ नहीं है, खाली बैठा हुआ हूँ, चक्कर आ रही मेरे को, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। इंसाफ मिलना, अगर मेरे हस्बैंड को कुछ भी हो जाता है, या अभी भी नहीं बोल सकती मैं इनको क्या होता, मैं हॉस्पिटल को लेके जा रही हूँ, मैं इनको अपना हॉस्पिटल में बताने के रास्ते। देखो आप देख सकते हैं ब्लडिंग देख रही उनकी। पुलिस का कैसा रिस्पॉन्स था आपको? नहीं, पुलिस वाले सपोर्ट करे सर, हम आपको नहीं बोल रहे, पुलिस वाले सपोर्ट करे। कौन से पुलिस स्टेशन में? ये फला पुलिस स्टेशन में सपोर्ट करे। अब आप लोगों की तरफ से हमको ये हेल्प होना कि आप भी जरा प्रेशर डालिए पुलिस वालों के ऊपर के हमको इंसाफ मिलना, जो भी मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा करे उनको पनिश करना, जेल में डालना। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता मेरे हस्बैंड को कुछ भी हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता उसका? अच्छा हुआ उनकी किस्मत अच्छी थी, हमारी किस्मत अच्छी थी, वो बच गए। अगर इनको कुछ भी हो जाता तो हमारा, मेरे को 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरी बेटी है, बड़ी बेटी थी इनके साथ, उसको भी मारा है, भाग लेती आई बच्ची, उन्हें आके मेरे को बोली यहाँ पे, मम्मा जल्दी चलो डैडी को बचा लो बोल के मेरी बड़ी बेटी आके बोली मेरे को। तो मेरे को मालूम है मेरे शोहर के साथ ऐसा हुआ बोल के, तो मालूम भी नहीं होती। मेरी बेटी को भी मारे, सर पे मारे, पीठ पे मारे, ऐसा मुंह पकड़ के मारे उसको, मार के मेरी बेटी भाग के क्या है गलियों में से भाग के आ गई घर को बच के। मेरी बेटी का भी धोखा है, अगर उसको भी कुछ भी हुआ। कितने साल की आपकी बेटी? मेरी बेटी सर कितने साल की है? 14 साल की है। 14 साल की एक है, 10 साल की एक है, दोनों भी थे, दोनों को भी मारे, दोनों भाग के आए, दोनों थे ना। अगर मेरे बच्चों को कुछ भी हुआ, अभी भी कुछ भी कर सकते लगा, और धमकी दिया करते तुम यहाँ भाग के जा रहे ना, वो घर पे आके मारते बोल के। कौन दिया धमकी? हमारे जेट मोहम्मद यूसुफ और मोदी मिल के काम भाग रही है, काम भाग रही है, तेरे पीछे आके तेरे घर पे घुस के मारता हूँ बोलते, मेरे बच्चों को अकेले छोड़ के आई थी। अब मेरे बच्चों को भी खुदा ना खास्ता कुछ भी हुआ तो अच्छी बात नहीं सर, अपना सपोर्ट करके मेरे को इंसाफ देना है, मेरे बच्चों का सपोर्ट करना, आप मेरे शोहर को जो तकलीफ हुई उसके आके उन लोगों को पनिश करना।
भाई चलो जी। अरे भाई चलो भाई चलो। चलो भाई चलो चलो।